हम श्रीनगर से जयनगर की भाग रहे भाई कसम मैं अभी साढ़े मारता हुआ भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम। मैंने की गाड़ी में कैसे मार दी बढ़िया नहीं लग रहा। सबसे पहले तो गाड़ी का BFI जो वो खत्म होने वाला था। तो भाई जिस होटल में हम रुके हुए थे ना उधर कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेटा फिर एक बार आपके सामने आते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। तो भाई फाइनली आज हम कर रहे हैं चेकआउट श्रीनगर से और अब निकल रहे हैं सीधा दिल्ली के लिए। तो देखेंगे अभी नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे कैसे करेंगे क्या है क्या नहीं। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते टाइम हो चुका सुबह के 8 बज रहे और 6 बजे उठ गया था, पर देख लो फिर भी निकलते निकलते 2 घंटे लग ही जाते हैं। तो बट कोई नहीं, फाइनली अब अपना रेडी है, अपना सारा सामान जो है नीचे जा चुका है वो अपने गाड़ी में रखवाना है वो कड़ी सामने। सामान सारा गाड़ी में रख के उसके बाद अपना देखेंगे अभी शिकारा राइड करेंगे और फिर उसके बाद आगे का प्लान करेंगे। तो भाई ये है अपना रूम जिसमें हम रुके हुए थे। रूम काफ़ी बढ़िया है भाई और 3000 रुपये इसका रेंट है पर डे का। बाकी बढ़िया फैसिलिटी के साथ रूम है। पर हाँ भाई यहाँ पे एक चीज़ की कमी लगी इधर ना भाई, मतलब रिंग करने पर जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं है। फाइनली अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, अब आ गए हैं अपना राइड वाइड करने के लिए। अब राइड करते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं श्रीनगर का डम्मी। अपनी एक बोट ये हो और उधर पवन भाई और चलती है वहाँ पे, ये देख लो आप। हम अपने बच्चे को बैठा के हम भी चलते हैं। चलो भाई नहीं चल। बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया। नहीं लग रहा क्यों? गंदगी यार, झील तो ऐसी रहती है भाई। झील में अच्छा लग रहा है, फिर पानी सा आ गया। वो तो झील तो ऐसी रहती है। अजी आनो डड्डा जी, ऐसे लग रहा है जोड़ी ये ओडी पार्क में एडवेंचर कर रहे हैं। अच्छा ये ओडी पार्क में जाए यानो बोलो ऐसी झील तो हमारे घर के पास। ये ओडी पार्क में जाए। हां ये ओडी पार्क में जाए। अच्छा ये ओडी पार्क लग रहा है। ओ भाई क्या होता है ये ओडी पार्क? एकांश क्या होता है? ये देखो जी क्या बढ़िया नजारा। अरे न अच्छा ही नहीं लग रहा, कह रहे गंदगी बहुत है। गुप्ता जी, ए गुप्ता जी, ए कहाँ डोल रहे हो? कहाँ डोल रहे हो? हाथ तो मजा ले रहे हो? मौज आ रही है सही? हेलो मौज आ रही है, मौज आ रही है, ये भी झाड़ की मौज आ रही है, मौज आ रही है। तो भाई मजे लेते हुए फुल डल लेके के गुप्ता जी के साथ में इस बार तो भैया फैमिली के साथ कभी मौज करती हमने। नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, नई नई चीजों के। मन कर रहा है वाला गाना गाऊंगा मैं तो। पोते हैं मीर बोज के मौज लेंगे। सुनो मम्मा जी। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि मन कर रहा है यहाँ पे बैठ तो यही पे सो जाओ। हाँ आपको स्कूल तो जाना नहीं है, मन करता है बस घुमाए जाओ। भाई तेरी एक नाव खरीदवा दे, कुछ काम भी करते रहना। भाई चलाते रहिए और रात दिन एडमिशन भी तुम्हारा यहीं करा देते हैं। हाँ इन्हें कोई मतलब नहीं है। मदरसा हो जाएगा, सस्ते में काम निपट लेगा। भाई हम आ चुके हैं अभी नेहरू गार्डन में और आपको नेहरू पार्क दिखाता हूँ। अपना एंट्रेंस हो चुका है, सबसे पहले एंट्रेंस में आपको ये दिखाता हूँ। अभी हम लोग घूम रहे हैं नेहरू पार्क में, गुप्ता जी भी है, देख लो कुछ नेहरू पार्क में मिल जाए तो। भैया नेहरू जी। हाँ वैसे एक बात है, जगह तो सही है, जगह बढ़िया ना, एकदम झील के चारों तरफ बीच में पार्क। सही करने दो यार। हाँ इधर आ जाओ इधर भाई। दल झील का ना वैसे एक बात बताऊँ, गंदगी बहुत है, बहुत ही गंदगी है। पता नहीं यार यहाँ पे, यहाँ पे सफाई वफाई होती नहीं है क्या सीन है, पर जो बात है ना यार यहाँ पे सही बताऊँ मज़ा ना आ रहा कतई। इतनी गंदगी, इसी में धो रहे हैं या इसमें थूक रहे हैं या इसमें सब काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाई डल झील का एक्सपीरियंस अपना जो है ना, व्यू प्यू चल सब एक तरफ है, पर जो सफाई और थोड़ा साफ़ सुथरे वाली बात होती है ना
वो ठीक नहीं कतई भी, बहुत गंदी है भाई। देखो सीधी बात, आपसे कुछ गलत तो बोलूँगा नहीं मैं कि भैया हर बार तारीफ ही करनी है, ये और वो ऐसा है वैसा है, ठीक है व्यू ठीक है जो भी सब चीज़ है, पर भाई जो यहाँ पे आप आओगे ना पर्सनली, बहुत गंदगी यार, मतलब यहाँ से ज़्यादा बढ़िया अपना ऊँगा है समझ दिल में चले जाओ, वो साफ सुथरी है हमारे यहाँ की जो गाँव के ठीक सामने है, बाकी यहाँ तो देखना इधर बहुत गंदगी है भाई, बहुत पता ना भाई कैसे रह रहे हैं लोग है भाई, जी तो खराब ना हो रहा बैठे बैठे गंदगी तो ऐसे लग रहा बस एकांश बिल्कुल नीचे मत हो जाना भाई, अपना दिल जिल का एक्सपीरियंस जो है कतई भी ठीक ना, जो बात है जेन्युइन भैया, पता ना कैसी ऑर्गेनिक सब्जी खेती बता रहे यहाँ, ऐसी कैसी खेती है, ओ भैया करेला खेती होती कही है, यू कितनी गंदगी है भैया जब भाई मैं तो यहाँ देख कर करेला ना खाऊं, मैं ना खाऊं आपके बाद ये इसमें भाई जल झील के बीच में पड़ती है क्लोथिंग मार्केट, यहाँ पे आप आओगे पर भाई आपको मैं जनरली बताऊं यहाँ का रेट वेट जो है ना बहुत ही हाई फाई है, तो अपना तो भाई आपसे यही सलाह रहेगी तो यहाँ आओ देख के चले जाओ, खरीदना भाई देख लो अगर आपको सूटेबल लगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज अपना तो एक्सपीरियंस ये है यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुका हूँ, बहुत महंगा मिलता है भाई यहाँ पर है जल झील, और जल झील के ऊपर देखो भैया इधर ये खेत है पूरा पूरा खेत, और इसमें सब्जी भूत है, किस चीज़ की सब्जी भूत है भैया इसमें, खीरा टमाटर कद्दू, खीरा टमाटर कद्दू, अच्छा चलो बढ़िया है। तो भाई अपना राइड वगैरह करके सब कुछ अपना आ चुके हैं गाड़ी में, और अब कर रहे हैं यहाँ से फाइनली चेकआउट श्रीनगर से, और सीधा आप गाड़ी को देखते हैं कहाँ लगाएं कहाँ नहीं, क्योंकि 12 बज चुके हैं, देखेंगे अगर कहीं स्टॉप लेना होगा तो वो भी देख लेंगे, अदरवाइज भाई गाड़ी नॉन स्टॉप दिल्ली लगा देंगे, अब जैसा भी होगा फिलहाल आपको पता चल ही जाएगा, अब यहाँ से निकलते हैं और फिर उसके बाद आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया लगा? हाँ अच्छा था, मज़ा आया, वैसे मजा आया पर वो गंदगी नहीं देखी जा रही थी मुझे तो ऐसा लग रहा था पानी ऊपर ना जाए हमारे सब कुछ बढ़िया है, वैसे तो बढ़िया था ना। हाँ वैसे बढ़िया था, बाबी ना इधर दो तीन गार्डन वार्डन हो रहा है उसमें, मतलब फूल वूल है कई तरह के, पर क्या करें यार अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, तुम नहीं देखने ही नहीं है मुझे मुझे ये फूल वूल देखने में, घर चलो बस बहुत घूम लिए, चलो ठीक है भैया, इनकी कैपेसिटी बस इतनी है 4-5 दिन लास्ट से ज्यादा ये ना बर्दाश्त कर सके मैं तो कल से ही कह रही हूँ चलो चलो कोई नहीं तो आप घर ही लगा देंगे गाड़ी, ठीक है यानो मजा आया राइड करके, यानो से पूछो यानो चले घर, हाँ चलो चलो भाई अब तो यानो ने बोल दिया तो चलो मैं भी, ये देखो मैं भी चले घर पापा जी, हाँ जी ये देखो लो जी लो यानो की शिकारा देख लो, मेरे पास इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए भाई बाय बाय बोलते हैं श्रीनगर को, और जल्दी आएंगे विंटर कश्मीर करेंगे जल्दी से, हो सका तो इसी साल में आ जाएंगे दिसंबर के एंड में। पहाड़ों में आते ही और भैया जाम की शुरुआत हो चुकी है, पहाड़ों की खासियत भी है भाई ये है ना कंस्ट्रक्शन चल रहे ना इस वजह से थोड़ा सा जाम वाम मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से चल रहा है, लेकिन मैं पहाड़ों की एक खासियत बता रहा हूँ, या तो जाम मिलेगा नहीं और मिलेगा तो घंटों से कम मिलेगा नहीं, हाँ घंटों का तो खैर नहीं लग रहा मेरे को, ये यहाँ तो खैर कम ही और देखो शायद 10-15 मिनट तो हो गए खड़े खड़े, बाकी बाकी भाई रामबान के पास पहुँचने वाला है फिलहाल, सुबह से चलते चलते 3 बज चुके हैं 3:30 और हमारा अराइवल टाइम बढ़ता ही जा रहा है, पहले जब हम निकले वहाँ से 4:15 दिखा रहा था और अब 5:25 दिखा रहा है, तो देखते हैं भाई कब तक पहुँचेंगे, बाकी सूर्य देव तक देख लो पूरी पूरी किरण फेंक रहे हैं, एकदम तकड़ी गर्मी चल रखी है, 27 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, जैकेट लेके घूम रहे थे, अब
सारे लत्ता है उतार दिए हमने। हाँ आपने तो सब उतार दिया। किसने मारी है दादा? अरे मैंने तो यार अभी तो लड़ाई करवा देता यार मेरी भाई साहब, मैं दिमाग खराब हो गया एकदम। मैंने की गाड़ी में कैसे मार दी इतनी हिम्मत इतनी हिम्मत वो भाई दिमाग एकदम ऐसा हो। तो मैं सीट बेल्ट नहीं उतारी थी वरना तो पहुंच जाता मैं वहां। भाई कसम मैं अभी साले मारता हुआ यार, मैं ऐसा मत कर यार। तो भाई हम उधमपुर में रुके थे पहलवान पे, और यहाँ पे भाई हमने खाना खाया, बहुत सारी चीजें खाई, चिली पनीर खाया था और क्या था भाई वो पास्ता खाया था, व्हाइट सॉस पास्ता खाया था और चौमिन वगैरह हो गई, डोसा खाया था, नूडल्स खाया था और इंद्राणी खाई थी। इंद्राणी भाई इनकी वो रसमलाई जो होती है ना उसी तरह से कुछ इंद्राणी होती है, और भाई वाकई में बहुत ही टेस्टी था और मजा आ गया कुल मिला के। भाई इनका रेखना बंधन हो गया, देखो जो बात है जिंदगी खराब कर दी है इन्होंने बच्चों ने। भाई भाई कभी भी आओ उधमपुर पहलवान पर जरूर खा के जाना, अच्छा खाना, बढ़िया टेस्टी और रीजनेबल प्राइस, मतलब कुल मिलाकर मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? मुझे लगा साढ़े ये रोते रहेंगे, अब हम थोड़ा आगे के लिए बढ़ते हैं, ठीक है जी? मुझे लगा साढ़े तीन चार हजार का ना भाई, बढ़िया बढ़िया बना, कम रीजनेबल प्राइस है, बहुत कम है। हम ऑर्डर करते गए हम थक गए, लेकिन भाई और रेट भी बहुत जेन्युइन कुल मिलाकर भाई रेट तो जेन्युइन था ही साथ के साथ खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया भाई, मतलब सारी चीज ना एक नंबर A1। तो कभी आओ इधर की तरफ में तो ट्राई जरूर करना, ठीक है भाई? हाँ जी। बोलते बाय बाय। तो भाई जैसा हमें भूख लग रही है ऐसा गाड़ी भी लग रही है, तो इसलिए अपना टैंक फुल करा लेते हैं गाड़ी का, और इसके बाद फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। तो भाई जैसे जैसे अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ वो होता ना दिक्कत आई जाती लास्ट में जाते जाते, तो उसी तरह से अब भी हो रहा है। आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिलहाल अभी ये देखो, सबसे पहले तो गाड़ी का BF ऑयल जो वो ख़त्म होने वाला था, तो वो डलवा रहे हैं भाई। अब मैंने कहा डलवा लें, कभी कहीं रास्ते में खड़े रहते हैं भाई के पास फाइबर ही, तो इनसे ले लिया 5 लीटर और बाकी अपना उधर जाके फिल करा लेंगे। मिल गया भाई, मिल गया साले, वैसे ड्रामे कर रहा था। अरे भाई मेरे को याद तो मैंने निकाला ही नहीं है भाई साहब, दिमाग खराब कर देते ना कि मेरा पर्स खो गया और साले ने उधर ही रखा है, मैं कह भी रहा था उसमें देख ले एक बार। और संतुष्टि है? हाँ भाई संतुष्टि है पूरी। चलो पर तेरे फेस एक्सप्रेशन ऐसे कि जबरदस्ती झूठ बोल रहा हूँ ना। मिल गया तेरी भाभी ने निकाल दिया भाई, पर्स खो गया था इसका अभी, और दिमाग खराब कर दे पूरी गाड़ी उधेड़ दी, इन्हें देखा उन्हें देखा, बट अब कह रहा फाइनली मिल गया। चलो ये तो कुछ अच्छा हो रहा है फिर। भाई 3 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। अभी एक छोटा सा स्टॉप लेना है अभी चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो भाई फाइनली आ गए इधर सुखन ढाबा पे, और अब यहाँ पे रुक करके अपना चाय वाय लेते हैं। इधर अपना पूरा काउंटर है तंदूरी चाय और कॉफ़ी का। हाँ जी देखो मैं कैसे लटका हुआ हूँ गाड़ी में, ऐसे जा रहा था मैं। लो जी भैया लो तंदूरी चाय बनवा दी गुप्ता जी ने। गुप्ता जी का गुस्सा खराब है, गुप्ता जी का कुछ ज़्यादा गुस्सा खराब है। आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, अब लेंगे हम गर्मा गर्म चाय। गुप्ता जी गन वही तो सोते आ रहे हैं, शर्म को एक बाल नहीं है अखंड में। मैं सो नहीं रहा हूँ, शर्म आदमी ने देखा मैंने, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जगा हुआ हूँ लेकिन मेरे को अपने आप पता नींद आ रही है। भैया हद कर देता हूँ मैं, अच्छा वीडियो है मेरे पास तुम सबके सोता हूँ। चला चेस कर ले सबकी, चेस कर ले, चेस चेस कर ले, बाद में बनाई होगी वीडियो जो जानू।
बाद में आइए ना। पता नहीं घड़ी को देख क्या होगा, तीन से आगे नहीं बढ़ रही और चार बज रहे हैं, चार साढ़े चार का टाइम हो रहा है और घड़ी में भैया तीन ही नहीं बज रहा है। कुरुक्षेत्र लगा दी गाड़ी डेटा जी रे, पता ही नहीं चला कब लग गई। वह अपनी चाय एंजॉय करते हैं, अब थोड़ी देर अब यहाँ पे आराम भी करेंगे, एकदम तुरंत नहीं चलूंगा भाई, पहले बता रहा हूँ। मैंने बोला था अब आराम से थोड़ी देर बाद चलेंगे। अरे यार पता नहीं पैंट कौन फट गई थी, पैंट तुम भी आज नए नए कर रहे हो। मैं कहाँ कर रहा हूँ, जो बात है वो बता रहा हूँ भाई, जान बेटा इसका कर दो। बहुत सारे स्टोरी हैं तुम्हें बताने के लिए ब्लॉग पूरा भाई, ये बात है तुम्हें मैं एक बार बताऊँ, हम श्रीनगर तक जयनगर की भाग गए, आपको हमने ये बात बताई नहीं पर अब बता तो है ना, बता दो क्या छिपाए, जो भाई जो है वो सारा हमारी जनता के पास पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो उधर बताना हमारा काम है। चलो भाई आपको बताता हूँ, तो भाई जिस होटल में हम रुके हुए थे ना उधर कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, एक तो गुप्ता जी के साथ और बेबी के साथ भी हो गया था, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना एक चीज़ें होती है ना कई बार कुछ चीज़ें सोचते हैं और वो दूसरे वाले से भी वही चीज़ पता चल जाए। मतलब एक तरह से फिर कई चीज़ें हो रही होती हैं। अब मैं सडन ऐसा होता सुबह सुबह, मतलब मेरे बेबी को ना कुछ होता ना थोड़ा बहुत, कई बार कुछ उल्ट उठ पटांग दिखना सपने अपने ये सब चीज़ें, मतलब वो रात को काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। तो मैं सुबह के टाइम में इनके पास गया, पवन भाई के पास, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा बात हो गया रात को, तो मैंने कि कैसे से बात रही, हनुमान चालीसा वाले जब चला के जब जाकर छो गए वो, फिर गुप्ता जी ने मेरे को अलग ही बात बता दी। क्या हुआ था भाई? भाई जब मैं तुम्हारे से हम बहुत देर बैठ के बात कर रहे थे रूम पे, हाँ, तो जैसे मैं बाहर निकला मेरे को लगा कि सामने से कोई क्रॉस किया है, मतलब पीछे से कोई बंदा गया है, लेकिन कोई गया नहीं था। मैंने कन्फर्म करने के लिए बोला मैंने दीपा से बोला कन्फर्म करने के लिए, देखिए कोई गया है ऐसे भी पार्ट, मतलब कोई नहीं गया, ऐसे मत बेफालतू में मुझे डरा रहे हो, डराने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। तो मैंने भाई इसको कहा नहीं क्योंकि वो डरना चाहिए इसलिए, लेकिन मैं वो लगा था, फिर मैं दो मिनट मैंने वहाँ रुका भी, मैंने भी जाके देखा पर वहाँ कोई था नहीं। उसके बाद मेरे को फिर अंदर से नेगेटिव वाइब्स आने लग गई, मैंने यार हो क्या रहा यार ऐसे कैसे, मेरे साथ कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम था, तो नेगेटिव वाइब्स आने लगी। फिर मैंने भाई रात को हनुमान चालीसा अपने सोचे थे ना, हनुमान चालीसा फ़ोन में चला दी और भाई वो मैं सो गया, चलती रही और चार बजे करीब अपने यहाँ पे हनुमान चालीसा मेरे उसमें आ गई। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हनुमान चालीसा कैसे चल सकती है भाई, कश्मीर में हनुमान चालीसा कैसे चल रही है, वो तो पता चला मेरे फ़ोन में ही चल रही थी। तो मतलब पूरी रात में नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना सही से, मतलब सो भी नहीं पाया था, साढ़े तीन बजे भी उठा, चार बजे भी उठा, फिर जब तू मैं तो बताया सुबह सुबह आते जाती यार डेटा जी आज तो नींद ही पूरी हुई तुमने एकदम सडन बोला इतने में, फिर तुमने बोला क्यों क्या हुआ, मैंने यार ऐसा मैंने कहा ऐसा ऐसा होगी भाई रात को तो तुम्हारे भाभी जो उठ रही बहुत ज़्यादा, तो इसने फिर मेरे को वो सारी चीज़ें बताई। फिर मेरे साथ तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहला एक्सपीरियंस है भाई। देखो कुछ भी कहो, होटल सनशाइन में रुके थे वहाँ से व्यू प्यू रूम वूम सब बहुत बढ़िया, पर वहीं पर सारी ट्रेजेडी हमारे साथ हुई। कश्मीर से मतलब ये लगा लो हमें दिल्ली कटते भगना पड़ गया इस कारण से। तो भाई कई बार ना कुछ चीज़ें मतलब पता नहीं होता कब क्या हो जाए, तो वही हमारे साथ हुआ, इसीलिए ना हम नॉन स्टॉप जो हैं अपना, मैंने कि भैया आप घर ही जा कर रुकूँगा, आप कहीं नहीं रुकूँगा, इस वजह से नॉन स्टॉप ड्राइवर एक घर था होटल पर, मैंने भाई अपना लगा होटल वोटल पर सीधे घर लगे गाड़ी बाहर लग गया ना, मैंने कहा घर जा कर रुकूँगा सीधे भाई, अब रिस्क नहीं लेना मैंने की हम चला रहे हैं 12 बजे से नॉन स्टॉप ड्राइविंग चल रही है हमारी, सुबह 12:30 बजे से ड्राइविंग चल रही है, 4 बज चुके हैं, श्रीनगर से स्टार्ट हुई थी ड्राइविंग अपनी और अब बस 2-2.5 घंटे की ड्राइव और है, पहुँच जाएंगे चाय पीते पीते, चाय बढ़िया है चाय। लेकिन भाई जो आपके उस साथ हमने ये इन्फॉर्मेशन साझा करी, इन्फॉर्मेशन ही अपना एक्सपीरियंस साझा किया है ना, ये वाक्य भाई जो ये उन लोगों के लिए है जैसे जो बोलते ना कुछ मानते नहीं है कुछ भी ना, जैसे मतलब अगर देखो क्या होता है, जैसे जो सिचुएशन हुई मेरे साथ मैं उसे इग्नोर कर सकता था इग्नोर ही करी थी मैंने, लेकिन जब इतने मेरे को बताई तो फिर कन्फर्म मैंने कुछ तो था।
चल कोई नहीं, अपनी चाय पी, तो टेंशन मत ले। मैं क्यों टेंशन लूंगा, मौत ले मौत, बाबा की फौज करेगी मौत, जय श्री बालाजी। तो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली पहुंच के सबसे पहले आ गए गणेश कचौड़ी वाले के पास में, और 17 घंटे की पूरी अपनी ड्राइव रही, पूरी रात ड्राइव करी, बढ़िया एकदम फुल मज़ा आ गया भाई, एडवेंचर से हो गए। और अब अपना इधर कचौड़ी वचौड़ी लेने आ गए, लक्ष्मी नगर के फेमस गणेश कचौड़ी वाले पर आ गए। सुबह सुबह 7 बज रहे अराइवल टाइम से, हम बहुत पहले आ गए, 8:30 बजे का टाइम दिखा रहे, 7 बजे पहुँच चुके भाई, आ चुके अपने घर पर। और भाई अपना ये वाला ट्रिप बहुत बढ़िया रहा, और ड्राइव ड्राइव करके फुल टू मज़ा आ गया। बाकी आप लोग बताना कि ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, कमेंट ज़रूर करना, और जितना हो सके शेयर भी कर देना ब्लॉग को, ठीक है, और लाइक कमेंट से कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले ट्रिप पे और अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।